नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने प्यारे चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से अभिनंदन करता हूँ। DSSB मॉर्निंग न्यूज विद मोटिवेशनल थॉट में आपका खुला स्वागत है। आज का थॉट, जो बंदा आपको वक्त देता है या टाइम देता है, वो आपके लिए दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा होता है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के वो पल देता है जो कभी लौटकर वापस नहीं आते। तो दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त है, क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं तो आप उसे जिंदगी का वो पल देते हैं जो कभी लौटकर वापस नहीं आता। तो जो आपसे बात करते हैं, आपसे रूबरू होते हैं, वो आपके लिए अनमोल हैं, क्योंकि किसी के पास वक्त नहीं है। जो आपको अपना वक्त दे रहा है वो आपकी ज़िंदगी के लिए सबसे अमूल्य तोहफा होना चाहिए, क्योंकि जो बंदा अपनी ज़िंदगी के अमूल्य पल आपको दे रहा है, वो उसकी ज़िंदगी में कभी लौट कर वापस नहीं आएंगे। ये तो था आज का थॉट। इस पर मनन करना, सोचना, गंभीरता से सोचना, तब कमेंट में बताना कि मैंने सही कहा या नहीं। अब बात करते हैं DSSB। आप सब लोगों को मैंने पहले ही कहा था कि जुलाई अगस्त में आपका दास और अन एग्जाम आएंगे, इसलिए आप उनकी तैयारी करो। और अभी भी टाइम है, 20-25 दिन बचे हुए हैं, तो आप क्रैक कर सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि दास ग्रेड 2 वाली नौकरी बहुत अच्छी है। इसको मैं दिल्ली की PCS मानता हूँ, क्योंकि इसका इतना अच्छा प्रोफाइल है जॉब का कि जो IAS होते हैं ऑफिसों में, उनके नीचे ये बैठते हैं, और इनका प्रमोशन भी बहुत फास्ट है। तो जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ कंटिन्यू विद दैट जील और इसको हासिल कीजिए। इसमें मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि टोटल बच्चे जो हैं इसमें 2.25 लाख के करीब बच्चे बैठे हुए हैं, और सीटें बहुत कम हैं, ठीक है, 220 या 210 के करीब इसमें सीटें हैं, ठीक है। तो और 2.25 लाख इसमें बच्चे बैठे हुए हैं। पहले इसलिए इसका प्री है, फिर इसका मेन होगा, इसमें इंटरव्यू नहीं है। अगर ये चाहते हैं, ये डिपेंड करता है एग्जामिनेशन बॉडी पर, DSSB पर, वेदर आपका टायर 2 जो MCQ है उसके बाद अगर ये क्वालिफाइंग नेचर का एक एग्ज़ाम ले सकते हैं रिटर्न भी, जो इंग्लिश का होगा, आपकी इंग्लिश कैसी है, आप कैसे लिखते हैं, कैसी आपकी समझ में आता है, तो ये हो सकता है। अदरवाइज इसमें इंटरव्यू नहीं है, और पोस्ट कम है लेकिन कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, 2.25 लाख के करीब इसमें बच्चे हैं जो एप्लीकेशन आई है, ठीक है। तो अब आप इसमें लग जाइए, क्योंकि कंपटीशन टफ है। Tier 1 क्लियर कीजिए, Tier 1 में देखते हैं कितने बच्चे क्लियर होते हैं। इसमें पासिंग क्राइटेरिया वही है, दोनों पार्ट में आपको क्लियर होना है, 200 नंबर का आएगा इसमें, ठीक है, और 40-40 नंबर के 5 सेक्शन होंगे, और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा ठीक है। तो 40-40 नंबर के 5 सेक्शन होंगे इसमें, और वही हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, मतलब इस तरह से 5 सेक्शन होंगे जो आते रहे हैं। और उसमें आपको 80 नंबर जनरल के लिए, 35 OBC के लिए, और 30 SC ST के लिए। तो 80 नंबर जनरल को लाने हैं इसमें, ठीक है, फॉर मेरिट में आने के लिए। तो ये था आज का हमारा लेखा चोखा। आगे किसी नई खबर के साथ फिर आते हैं और बात करेंगे दास ग्रेड 2 पर ही, 3 बजे भी जब हम लाइव आएंगे तब भी इसी के ऊपर बात करेंगे, देखते हैं। चलिए अभी विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।